हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ एजे। आज हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एन SLA मॉनिटर। इन लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि स्पेशलाइज क्लाउड मैकेनिज्म, कि उसके 10 डिफरेंट मैकेनिज्म कौन कौन से थे, उसमें से दो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके। सो जो नेक्स्ट 7 बचे ओके, वन बाय वन हम देखेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे SLA मॉनिटर क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं विद एन SLA मॉनिटर। तो बेसिकली द SLA मॉनिटर इज अ मैकेनिज्म इज यूज टू स्पेसिफिकली ऑब्जर्व द रन टाइम परफॉर्मेंस ऑफ क्लाउड सर्विस टू इंश्योर दैट आर द फुलफिलिंग एंड कॉन्ट्रेक्चुअल क्वालिटी ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट दैट आर पब्लिश इन SLA। ओके, जैसे कि यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। SLA इन द सेंस क्या है? नथिंग बट अ सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ओके, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन जो आपका कस्टमर है एंड जो प्रोवाइडर है, कि दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट। प्रोवाइडर स्पेसिफाई करता है कि कौन कौन सी चीजें वो प्रोवाइड करने वाला है, या इस तरह से बोल सकते हैं कि कस्टमर्स पहले, हम कोई भी सर्विस एक्सेस करने से पहले इन कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू हम फर्स्ट चेक करते हैं कि हमें कौन कौन से सर्विस चाहिए। ओके, तो एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट या जैसे कि एक टेम्पलेट देख सकते हैं कि आप कोई भी सर्विस एक्सेस करते हैं तो उससे पहले आप रीड करते, देन आप उस सर्विस को सिलेक्ट करते हो, यूज करते हो। देन नेक्स्ट, द डेटा कलेक्टेड बाय द SLA मॉनिटर इज प्रोसेस बाय द SLA मैनेजमेंट सिस्टम टू बी एग्रीगेटेड इनटू SLA रिस्पोंडिंग मैट्रिक्स। कि जो SLA मॉनिटर होगा, ओके, SLA मॉनिटर यहाँ पे क्या कर रहा है, जितने भी नंबर्स ऑफ डेटा है उस डेटा को एक्सेस करेगा, कलेक्ट करेगा। ओके, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी कस्टमर का डेटा होगा या प्रोवाइडर का डेटा होगा, दोनों भी डेटा यहाँ पे हमें फर्स्ट फेच करना पड़ेगा। देन यूजिंग एन SLA मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा कि जितने भी नंबर्स ऑफ डेटा हमने कलेक्ट किया उसको एनालिस करेगा, कि जो भी हमने SLA एग्रीमेंट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए, ओके, वो सभी के सभी हम फुलफिल करेंगे, या जो क्वालिटी ऑफ सर्विस हमने इंश्योर किए कि हमने बताई है हमारे कस्टमर को प्रोवाइड हो रही है कि ना, तो ये जो काम होगा तो ये हमारा मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे करने वाला है। एंड लास्ट SLA रिपोर्टिंग मैट्रिक्स। ओके, इन SLA रिपोर्टिंग मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली क्या रिपोर्ट जनरेट होता है, कि उसके एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करेंगे। देन लास्ट, द सिस्टम कैन प्रोएक्टिवली रिपेल और फेल ओवर क्लाउड सर्विस व्हेन एक्सेप्शन कंडीशन ऑकर सच एज व्हेन द SLA मॉनिटर रिस्पॉन्ड टू क्लाउड सर्विस एज अ डाउन। ओके, सो ये कब वर्क करते, किस तरह से वर्क करते, तो इस वर्क एज अ प्रोएक्टिव रिपेल और फेल ओवर क्लाउड सर्विस, कि आपकी जो सर्विस है वो प्रोएक्टिवली रिपेल, की कोई भी फेल्यूर आने से पहले। ओके, प्रो एंड प्री हमको सिंपल कीवर्ड्स तो पता होगे, प्रो इन द सेंस कोई भी फेल्यूर या कोई भी सिचुएशन जिस लाइक से हमारा जो भी सर्विस है वो फेल हो जाए या जो सर्वर है वो डाउन हो जाए, उससे पहले हम क्या करते हैं, ये सभी चीजें यूटिलाइज कर देते, कि जैसे कि हमारा जो सर्विस एग्रीमेंट के अंदर, ओके, हमने चीजें प्रोवाइड की है कि हमारा कस्टमर से कंप्लेंट आने से पहले हमें क्या करना है, उस सभी को रिजॉल्व करना है, तो जिसके अकॉर्डिंगली जो हमारा कस्टमर होगा या सर्विस यूज करने वाला यूजर होगा वो फुलफिलमेंट में रहे। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, किस तरह से हम उसको प्रोवाइड करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम यहाँ पे देखते। तो फर्स्ट डायग्राम आपको यहाँ पे है, दिस इज एन एम रिक्वेस्ट एम रिस्पॉन्स। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली SLA मॉनिटर पोलिंग एजेंट क्या कर रहा है, कि एक नॉर्मल यहाँ पे सिनारियो दिया गया है कि किस तरह से वर्क हो रहा है। द SLA मॉनिटर पुल्स द क्लाउड सर्विस बाय सेंडिंग द ओवर पोलिंग रिक्वेस्ट मैसेज। यहाँ पे हम नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट मैसेज सेंड कर रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी रिस्पॉन्स मैसेज यहाँ पे जनरेट हो रहा है। द मॉनिटर द रिसीव द पुलिंग रिस्पॉन्स मैसेज दैट रिपोर्ट दैट द सर्विस इज अप, कि जब तक हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मैसेज आ रहा है, उस सिनारियो तक हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि
हमारा डेटाबेस एक्टिव स्टेट में है, कि जिस मोमेंट टाइम पे हमारा डेटा या जो भी रिस्पॉन्स है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए हमने एक सिनेरियो डिजाइन किया था, तो SLA मॉनिटर स्टोर द अप टाइम एंड पीरियड टाइम टू पुलिंग इन साइकिल 1 to n इन लॉग डेटाबेस। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो भी नंबर्स ऑफ एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं जितने भी नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट सेंड करे, जितने भी नंबर्स ऑफ रिस्पॉन्स आ रहे हैं, एंड जो टाइम था हमारा अप का, तो सभी टाइम हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इन अप फॉर्म। ओके, देन सेकेंड सिनेरियो यहाँ पे हम देखते हैं, जस्ट लाइक द SLA मॉनिटर पुल्ड द क्लाउड सर्विस दैट सेंड अ पुलिंग रिक्वेस्ट। ओके, नंबर्स ऑफ फिर से हम यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, बट द पुलिंग रिस्पॉन्स मैसेज आर नॉट रिसीव। के अभी सेकेंड सिनेरियो में क्या हो रहा है कि जो भी रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है बट कोई भी रीजन की वजह से, कोई भी फेल होने की वजह से वो रिस्पॉन्स वहां पे यूजर को नहीं मिल रहा। द रिस्पॉन्स मैसेज कंटिन्यूसली टूवर्ड टाइम आउट या डिले हो रहा है बोल सकते हैं। सो द MLA मॉनिटर स्टोर द डाउन टाइम एंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑल पुलिंग साइकिल इज n+1 और n+m। जैसे जो नॉर्मल जो लॉक का डेटाबेस का टाइम था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था फर्स्ट डायग्राम में, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि हमारा डाउन टाइम क्या था, हमारा अप टाइम क्या था, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे उसको रिपेयर करेंगे या जो भी मॉडिफिकेशन है वो मॉडिफिकेशन इसके अंदर परफॉर्म करने वाले। तो मॉडिफिकेशन किस तरह से करेंगे, तो इस तरह से करेंगे। तो जो ये थर्ड डायग्राम इसके अंदर हमने दी, द SLA मॉनिटर सेंड्स अ पुलिंग रिक्वेस्ट टू एंड रिसीव द पुलिंग रिस्पॉन्स। ओके, सो इसके अंदर हमने क्या किया कि अगेन फिर से हमने रिट्राई किया यहाँ पे नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ओके, फिर से अगेन हम ट्राई करेंगे, द SLA मॉनिटर स्टोर द अप टाइम टू अ लॉक डेटाबेस। ओके, इफ हमने उसको एजेंट को फिर से रिपेयर कर दिया हमारे सिस्टम को, जैसे मॉडिफिकेशन कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे हमारा फिर से अप टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो ए हो गया हमारा नॉर्मल SLA मॉनिटर क्या था। कि इफ आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन, चेंजेस आपको रिक्वायर्ड है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, इफ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ आप कोई और मीडियम से देख रहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।